ओके गुड, चलो होमोजीनियस मीडियम। अब होमोजीनियस मीडियम क्या होता है और एक हेटरोजीनियस मीडियम होता है। अब देखो, मैंने ना क्या किया, मैंने ना एक वाटर से भरा हुआ कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाटर से भरा हुआ जो कंटेनर है ना, अब ये इसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मीडियम या होमोजीनस मिक्सचर। अब आपको पता है ना कि वाटर का कॉम्पोजिशन क्या होता है, H2O होता है ना, ठीक है। मैंने कौन सा वाटर लिया है, ये मैंने वाटर लिया है ये डिस्टिल वाटर। किसी को पता है डिस्टिल वाटर में और नॉर्मल वाटर में क्या डिफरेंस होता है? इसलिए वो बैटरी में डलता है और नॉर्मल वाटर भी हम लोग क्यों डलता है बैटरी। अच्छा ठीक है, मैंने मान ली बात आपकी कि डिस्टिल वाटर बैटरी में डलता है और नॉर्मल वाटर आप पीते हो, ठीक है, क्योंकि वो प्योर होता है डिस्टिल वाटर। ऐसे सब लोग साथ में नहीं बोलेंगे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। जिसका नाम लूंगी बस वही आंसर करेगा। हाँ जी, डिस्टिल वाटर बैटरी में डलता है, नॉर्मल वाटर बैटरी में क्यों नहीं डलता? हाँ जी अदिति, क्यों नहीं डलता? क्योंकि उसमें कोई कुछ इंप्योरिटीज हो गए जो डिस्टिल वाटर में नहीं होता। वेरी नाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। डिस्टिल वाटर जो होता है वो प्योर H2O होता है, उसमें H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं होता। और जो नॉर्मल वाटर होता है ना, उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इन्वर्टर की बैटरी में सॉल्ट्स वाला पानी डाल दोगे ना, तो जब पानी इवेपोरेट होगा तो ये सॉल्ट्स जो है वो आपकी बैटरी के ऊपर जम जाएंगे, तो आपका जो सर्किट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ये सॉल्ट वाले पानी को नहीं डालते, सिर्फ H2O को डालते हैं, क्योंकि जब ये इवेपोरेट होता है तो पीछे रेजिड्यू नहीं रहता कोई। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब मैंने बोला कि जो डिस्टिल वाटर है ना, डिस्टिल वाटर ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसमें क्या चीज हुई, इसमें एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हुआ, मतलब सारे के सारे में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे से जो मीडियम है उनको होमोजीनियस मीडियम कहते हैं, जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना स्कूल में, क्यों पहनते हो यूनिफॉर्म? ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, सिमिलैरिटी मेंटेन रहे। कोई ऐसे, अगर आप अपने घर के कपड़े पहन के जाओगे तो कोई बच्चे के पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे वो पहनेगा, किसी के पास गंदे गंदे कपड़े होंगे तो वो पहनेगा, तो क्या होगा, एक डिफरेंसिएशन हो जाएगी, डिससिमिलैरिटी हो जाएगी। तो आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो, कि सबके सब सेम लगे। कौन रिच फैमिली में से है, कौन पुअर फैमिली में से, दैट डजंट मैटर इन एजुकेशन सिस्टम। वी वांट अ सिमिलैरिटी, सब कुछ सेम हो, यूनिफॉर्म हो। तो उसका नाम भी यूनिफॉर्म इसीलिए ही रखा जाता है, रखा गया है ड्रेस का, क्योंकि वी वांट अ यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी। तो जिसका कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहेगा, दैट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और ऐसा मीडियम जो है उसको बोलते हैं होमोजेनस मीडियम। अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वैक्यूम हो गया, प्योर एल्कोहल, वाटर, डिस्टिल वाटर, ग्लास, डायमंड। हाँ जी सुयश, कुछ पूछना है बेटे? कैन यू अगेन एक्सप्लेन होमोजेनस मीडियम? डेफिनेटली बेटा, देखो आपने डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है, डिस्टिल वाटर ले लिया आपने, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसमें क्या है, प्योर H2O है। इसमें आपके सिर्फ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सारे में, तो ऐसा कॉम्पोजिशन। अब मैंने क्या किया आपको, मैंने बोला कि ना आप चीनी ले लो,
चीनी को आप पानी में घोल दो तो वो भी होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि चीनी का अपना कॉम्पोजिशन है, वाटर का अपना कॉम्पोजिशन है, दोनों का कॉम्पोजिशन जो है एक दूसरे के साथ मिलके यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर देगा, ऐसा मिक्सचर जो है उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, जो पूरी तरह से स्प्रेड हुआ होता है एक अपनी क्वांटिटी में, ठीक है, अंडरस्टूड, कहीं पर ज्यादा नहीं कहीं पर कम नहीं, यूनिफॉर्म है, सेम है, ओके। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।